हेलो फ्रेंड्स, आप ना ब्रेड की ये रेसिपी बहुत तरह की खाई होगी, ब्रेड चॉप, ब्रेड पकौड़ा बहुत तरह के खाई होगी, लेकिन यहाँ पर ना बहुत ही इजी मेथड से आज हम इस ब्रेड स्नैक्स को तैयार करने वाले हैं बिना आलू को उबाले। और बहुत ही मजेदार रेसिपी है दोस्तों, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करके देखिएगा, ऑमलेट चाट करके सभी लोग खाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मिक्सिंग बाउल ले लीजिएगा। इसमें यह ना प्याज को, 3 पीस प्याज को अच्छे से पतले पतले स्लाइस में कटिंग कर लीजिएगा, बिल्कुल लंबे लंबे लच्छे में इस तरीके से, ठीक है। और इसे अच्छे से रफली हाथों से मैश कर लीजिएगा ताकि ये लच्छे जो है बिल्कुल अलग अलग से हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। तो 3 पीस मैंने यहाँ पर बड़े साइज का प्याज लिया था और इसे इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। इसमें नमक डालेंगे बस, और कुछ भी अभी हम नहीं डालेंगे। नमक से क्या होगा कि नमक जैसे ही पड़ेगी ना प्याज में, बस पानी जो है निकलना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, तो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें प्याज का पानी ही निकालना है और अभी हमें कुछ नहीं ऐड करेंगे, बस इस तरीके से रफली हाथों से मिक्स कर लीजिएगा और इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जब तक कि ये पानी नहीं इसका निकल जाता है। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल प्याज ने अपना पानी बिल्कुल निकाल लिया है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमें इस तरीके से चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से 2 पीस हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा, इसमें डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर बारीक चॉप करके यहाँ पर डाल करके मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं, कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो जैसे कि हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, इससे जो है कलर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, आप अपना तीखा जो है अपने हिसाब से रखिएगा। 1/2 टीस्पून डाल दीजिए भुना हुआ जीरा पाउडर, इससे जो है टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, जरूर से आप ऐड कीजिएगा। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लीजिए, इससे बहुत ही चटपटा सा स्वाद आएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 चम्मच ना अजवाइन डालेंगे हाथों से क्रश करके, ताकि इसका जो है फ्लेवर एक्टिवेट हो, ताकि खुशबू बहुत अच्छे से आएगा। तो चलिए इसे मैंने हाथों से क्रश करके इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए 2 पीस मीडियम साइज के आलू को मैंने ग्रेट कर लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब पानी में इसे मैंने डिप करने के लिए रख दिया था। अब क्या करेंगे कि पानी को बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लेंगे इस तरीके से और प्याज में डालते हुए चले जाएंगे। तो इससे जो है हमारी जो है स्टफिंग बहुत बड़ी बेहतरीन बनने वाली है दोस्तों। हमें यहाँ पर आलुओं को उबालना नहीं पड़ा, बस कच्चे आलू ही हमें यहाँ पर यूज कर लेने हैं। तो ये आलू की स्टफिंग भी हो जाएगी, आपकी प्याज की भी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए इसके अच्छे से बाइंडिंग और ही क्रिस्पी करारी इसे अच्छे से हमें करने के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 कप बेसन लिया है। तो बेसन डालने से पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसन डालते हुए चले जाएंगे। तो मैंने अभी थोड़ा सा डाला है, 3 चम्मच के करीब, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अभी और डालूंगी। तो पहले इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप एक बार इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा, बहुत पसंद आएगी सभी लोगों को। आप क्या करेंगे, इससे हमें क्रिस्पी बनाना है। तो क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर ना मैंने चावल का आटा लिया है। तो 2 से 3 चम्मच आप यहाँ पर चावल का आटा यूज कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी आपकी तैयार होगी। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो आप यहाँ पर सूजी भी डाल सकते हैं, अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अपना च्वाइस है, आपके पास जो भी हो आप यहाँ पर डाल दीजिए, ताकि ये जो है स्नैक्स जो तैयार होगी ना बहुत ही क्रिस्पी और करारी तैयार होगी। तो चलिए इन सारी चीजों को पहले हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ड्राई है, तो थोड़ी सी हमें लगता है कि बेसन और लगेगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन यूज कर लिया है। तो चलिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर पहले कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमें इतना ड्राई नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी का छिड़काव यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो पानी का छिड़काव यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे बस इस तरीके से, ताकि ना ये अच्छे से हमें ये बिल्कुल बेहतरीन सा हमें इसका इस स्टफिंग हमें जो तैयार करनी है ना बिल्कुल लूज, हल्की से लूज करनी है, ठीक है। तो चलिए इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर डालते हुए चले जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक बार बिल्कुल पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो आपकी क्या होगी, बिल्कुल गिली गिली से स्टफिंग तैयार हो जाएगी और आपसे संभल नहीं पाएगा।
तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर काला नमक का यूज किया है। आप चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं, आप काला नमक भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इन सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें चाहिए ना, तो ये देखिए ताकि हमने ब्रेड में जो है ना बिल्कुल अच्छे से लेयर आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पानी मैं और इसमें डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से ब्रेड में चिपक सके। तो देखिए सब चीजों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे अब हम क्या करते हैं, अब हम साइड पर रखते हैं। तो देखिए इस तरीके से पहले आप करके देख लीजिएगा कि अच्छे से हाथों से फैला करके। ठीक है, तो चलिए इसे हम रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर देखिए आप जितने ब्रेड का बनाना चाहते हैं आप ब्रेड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्राउन वाला ब्रेड लिया है। ठीक है, तो आपकी कटिंग आपको जैसा पसंद हो आप वैसा कटिंग कर सकते हैं। स्क्वायर में बना सकते हैं, त्रिकोण में बना सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ एक पीस मैंने यहाँ इस तरीके से कटिंग करूंगी। ये देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से ब्रेड चॉप मिलते हैं ना, बस वो कटिंग हम यहाँ पर कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे मैंने कर ली है। तो इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। आप व्हाइट वाला ब्रेड ले लीजिए, आपके पास जो भी ब्रेड हो ना आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दूसरी कटिंग मैं कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो आप एक ब्रेड के चार पीस भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि आप दो ही पीस करें, आप छोटे छोटे पीसेस में भी बना सकते हैं इसे। तो आप क्या करेंगे, एक पीस हम लेंगे इस तरीके से, और ये जो बेसन वाली जो है ना स्टफिंग हमारी जो तैयार हुई है ऑनियन वाली, इसमें जो है ऑनियन ज्यादा है यानी कि प्याज बहुत ज्यादा है, तो इससे जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्रंची क्रंची भी लगती है और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इस तरीके से हम स्टफिंग को इसके ऊपर से रखते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम अच्छे से हाथों से फैलाते हुए जाएंगे, हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए जाएंगे और सभी तरफ से अच्छे से हम इसे कोट कर देंगे, बहुत अच्छे से हम इसे लगा लेंगे, लपेट लेंगे बहुत अच्छे से। तो ये देखिए कितना आसान है इसे बनाना ना। तो हमें क्या करना है कि ब्रेड चॉप जो बनती है वो से हमें आलू को उबालना है, उसकी स्टफिंग बनानी है, बहुत प्रोसेस लंबा हो जाता है, लेकिन ये तो है बहुत ही फटाफट से तैयार हो जाती है और खाने में तो बेहद ही मज़ेदार लगती है। दोस्तों ये ना ये रेसिपी मैंने बनाई थी ना तो मेरे बच्चों को, मुझे बहुत पसंद आई थी। आप एक बार ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। चलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है ऑयल को गर्म करने के लिए, हल्का गर्म कीजिएगा, ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा और मीडियम फ्लेम पर इसे अपना इसे फ्राई कीजिएगा इस तरीके से। अभी बिल्कुल इसे टच नहीं करना है, कुछ सेकंड इसी तरीके से पकने दीजिए, उसके बाद ना तेल का छिड़काव इसके ऊपर से डालिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि ऊपर की जो लेयर है ना बिल्कुल सेट हो जाएगी, गरम ऑयल इसके ऊपर जो पड़ेगा ना तो बिल्कुल सेट हो जाएगी और इसे जब आप टर्न करोगे तो ये बिल्कुल आसानी से टर्न हो जाएगी, इधर उधर चिपकेगी भी नहीं। तो इस तरीके से आप अगर बनाओगे तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल चिपकी रहेगी ना, क्योंकि ये पहले ही सेट हो गई ना। बस मीडियम फ्लेम पर इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मीडियम फ्लेम पर इसे आप फ्राई कीजिएगा, तभी आपके बिल्कुल क्रिस्पी करारी बनके तैयार होगी। दोस्तों बहुत ही मजेदार रेसिपी है, आप एक बार जरूर से ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया है। बस साइड में आप इस तरीके से कढ़ाई के रख दीजिए, जितना ऑयल होगा उतना निकल जाएगा, उसके बाद ही आप इसे कढ़ाई से निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए तो सभी पीसेस को इसी तरीके से आप फ्राई कर लीजिएगा। तो चलिए मैंने इसी तरीके से सभी को फ्राई कर लिया है, कुछ पीसेस मैंने फ्राई किया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो बहुत ही क्रंची, आप इसे टोमेटो केचप के साथ खाइए ना, बच्चों को बेहद पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब हम सर्व भी कर लेते हैं। तो देखिए कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है ना, खा के बेहद ही मजेदार आने वाला है। और ब्रेड चॉप जो है ऑनियन ब्रेड पकौड़ा इसे आप बोल सकते हैं, आप इसे क्या नाम देंगे आप प्लीज मुझे आप ना कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है।